नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टॉप बीइंग टू नाइस के बारे में, यानी कि चंट चालाक बनो वरना दुनिया आपको बेच खाएगी। जो आज की दुनिया है ना, जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर हम सोचते हैं कि दुनिया बहुत हेल्पिंग नेचर की है, या फिर काम आने पर हमारा सपोर्ट करेगी, घंटा सपोर्ट करेगी, सच है जो आप सुनना नहीं चाहते, एक ऐसा सच जो आप एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। लेकिन हाँ, इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इफ़ यू वॉन्ट टू एडमिट कि हाँ ये चीज़ है मेरे दोस्त, खुद को इम्प्रूव करो, खुद को बेटर बनाओ, थोड़ा चंट चालाक बनो, थोड़ा दिमाग लगा के चलो। इवन पहले मैं भी ऐसे ही था, किसी पर भी ट्रस्ट कर लेना, किसी को भी कुछ भी, हाँ चलो ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। नो, आई चेंज माई सेल्फ बिकॉज आई नो, अगर मैं चेंज नहीं करूँगा खुद को, आई विल गो अवे। अपडेट रहना पड़ेगा आपको इस दुनिया में, अपडेट नहीं रखोगे आपका जो अस्तित्व है, आपका जो एग्जिस्टेंस है, वो ख़त्म हो जाएगा। अपडेट करो खुद को मेरे दोस्त। वो केयरिंग वाली नेचर है आपके अंदर, वो टेकिंग केयर वाला वो चीज़ है, तो उसके लिए दूसरों के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको उन लोगों की परवाह करनी है जो आपके लिए मैटर करते हैं, और उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल देना है जो उनकी परवाह नहीं करते हैं, जो आपके आंसुओं की परवाह नहीं करते हैं, जो आपके इमोशंस की परवाह नहीं करते हैं, जो उनके साथ खेलते हैं। ऐसे लोगों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, समझ रहे हो? इस चीज़ पे ध्यान दो, अपने आप को बदलना स्टार्ट करो, अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करो, देखो कि कहाँ पे आपकी गलती है और कहाँ कहाँ पे आप खुद को इम्प्रूव करके खुद को एक अच्छे वे में, एक बेटर वे में, एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, लेट मी प्लीज़ टेल यू, कि प्रॉब्लम ये होती है कि हम इमोशनल हैं, हम इमोशंस हैं। अब उस इमोशंस के कंट्रोल में आके हम क्या करते हैं, हम रायते की जगह हर जगह बह जाते हैं, हम फैल जाते हैं। अब रायते की तरह फैल जाने का मतलब क्या होता है, कि सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाएगा, आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाएगा कि ये तो इमोशनल है, इससे काम निकलवा लो, इससे ये करवा लो, इससे ये करवा लो, इसको दबा दो, ये कुछ नहीं करेगा। और फिर वहाँ पर जाके हम तो उस टाइम कुछ नहीं कहते, लेकिन जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जब हमें चाहिए होता है किसी से हेल्प, वहाँ जाके दिक्कत आती है, वहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता आपकी, समझ रहे हो आप? तो इस चीज़ का ध्यान रखो मेरे दोस्त, कि ताकि लोग आपकी लाइफ में आए, बट वो जो आपके लिए सही हो, वो नहीं जो आए और फिर आपकी लाइफ हेल्प बना के आप चले जाएं, ऐसे लोग नहीं, समझे मेरे दोस्त? तो वाई डोंट वी इन्वेस्ट इन आर सेल्व्स, कि हम खुद में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं, खुद को टाइम क्यों नहीं देते हैं, खुद में अगर हम ज़्यादा ये करें ये वाली चीज़, तो हमारी एक तो डिपेंडेंसी भी हमारी कम होगी, और खुद में हम खुश रहना स्टार्ट करेंगे। और जब आप खुद खुश रहना स्टार्ट करोगे, देन यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल, वहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी आपके लाइफ में लोगों की। तो सबसे पहले आप खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद को खुश कीजिए, देन ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, फिर लोगों को खुश करना स्टार्ट करो, फिर जो आपके लोग हैं, हाँ खुश करो, कोई बात नहीं, बट फर्स्टली आप खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, तभी आप दूसरों को खुश कर सकते हो। और जो पीपल प्लेजर हैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट है कि उतना ही खुश कीजिए जितना आप खुद को खुश कर सकते हैं। अगर आप खुद को खुश नहीं कर रहे हैं और अपना टाइम, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं दूसरों को खुश करने में, आप अंदर से दुखी हैं और आप अपना टाइम दे रहे हैं कि वो खुश हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले खुद का ख्याल रखिए, लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी स्ट्रांग और चलते रहिए। झुकिए, बहुत अच्छी बात है झुकना, लेकिन हर बारी आप ही झुके जा रहे हैं, आपकी नज़रों में आपकी कोई कदर नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। फिर खुद को आदमी समझते हैं ना आप, खुद को इंसान समझते हैं ना, और अगर आप दूसरे आपके साथ जानवर जैसा ट्रीट कर रहे हैं और ट्रीट करने दे रहे हैं आप, तो आपको क्या लगता है आप क्या हैं, बताइए। खुद के नजरों में अपनी बनाइए एस्टीम, कि मेरी एस्टीम ये है, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट ये है, मैं ऐसा हूं, मैं इतना झुक सकता हूं, मैं 20 में से 19 बार झुक सकता हूं, एक बार तुम झुक के दिखाओ, ये होना चाहिए। इतना ही मत झुकिए कि कोई आपकी ले के चला जा रहा है फिर आप कह रहे हैं यार, आपका कटता जा रहा है फिर आप कह रहे हैं कि that doesn't make any sense at all मेरे दोस्त। इसलिए इस चीज को स्टॉप कीजिए, स्टॉप बीइंग टू नाइस, स्टॉप बीइंग
यू नो प्लीजिंग अदर्स, स्टॉप प्लीजिंग अदर्स, इट इज टू डिफिकल्ट टू प्लीज एवरीवन यार, सबको खुश करना नामुमकिन है, नहीं कर सकते, रहने दो, बट खुद को तो खुश कर सकते हैं ना, मोस्टली खुद की नजरों में अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ स्टीम तो बना सकते हैं ना आप, इतना तो कर ही सकते हैं, तो ये कीजिए एंड स्टॉप बीइंग टू नाइस कि कोई भी आपका कोई भी आ रहा है आपका, आपकी बेनिफिट ले रहा है, एडवांटेज ले रहा है और फिर निकल ले रहा है और आप देखते रह जा रहे हैं, ऐसा करना बंद कीजिए। ऐसा जब तक करेंगे तो अपनी लाइफ में आपको पछतावा होगा आगे चल के, धोखे खाएंगे आप, फिर कहीं के नहीं रहने वाले। इसलिए अभी से ही अपने अपना दिमाग लगाइए, सुधरिए, देखिए कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, किस पॉइंट पे इम्प्रूव करना है, क्या करना है, यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे ये गलत है, दिमाग दौड़ाइए अपना, ठीक है मेरे दोस्त।